हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान अर्जन के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरे पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरीके से फेसबुक या अलग अलग सोशल मीडिया साइट्स या फिर ब्लॉग या वेबसाइट में आप अपने मदर टंग या फिर रीजनल लैंग्वेज या फिर किसी अलग इंटरनेशनल लैंग्वेज में आप टाइप कर सकते हैं। तो मैंने वहां पर फेसबुक का भी जिक्र किया था और मैंने जो आपको वीडियो में एग्जाम्पल शो किया वो भी फेसबुक रिलेटेड ही है। तो वहां पर ये था कि आप किस तरीके से फेसबुक में अलग अलग लैंग्वेज में टाइप कर सकते हैं, लेकिन आज का जो वीडियो है ये भी उस वीडियो से जरा रिलेटेड है और मैं आज आपको ये सिखाऊंगा कि आप फेसबुक में जो पेज पर जो लैंग्वेज आता है आप वो फेसबुक के पेज का लैंग्वेज कैसे चेंज कर सकते हैं। मतलब वहां पर था कि आप कमेंट बॉक्स में अपने रीजनल लैंग्वेज या फिर अपने मदर टंग में या फिर अलग इंटरनेशनल लैंग्वेज में आप टाइप कर सकते थे, और मैं आज जिस वीडियो की बात कर रहा हूं वो है कि आप इंटायर फेसबुक के पेज पर जो लैंग्वेज होता है उस लैंग्वेज को ही कैसे चेंज कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त अमित और आप देख रहे हैं चैनल ज्ञान अर्जन। अगर आप मेरे इस चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हमेशा ही इस तरह के जानकारी भरे वीडियोस को लाते रहता हूं और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने से मेरा कोई भी वीडियो आपको मिस नहीं होगा। सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल नोटिफिकेशन का आइकॉन है उसे भी क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए सफर को आगे बढ़ाते हैं। मैं आपको अपने ब्राउजर की तरफ लेके चलता हूं और वहां हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से बहुत ही आसानी से हम लोग पूरे फेसबुक के पेज में लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, मैं अपने ब्राउजर पे आ चुका हूं। मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि मैंने पिछले वीडियो में क्या बताया था। मैंने पिछले वीडियो में गूगल इनपुट टूल्स के बारे में बताया था। ये गूगल इनपुट टूल्स से हम लोग वो लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। आपको मैं दिखा दूं कि यहाँ पर आपका देखिए, मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ ये राइट हैंड टॉप के तरफ वो एक्सटेंशन गूगल इनपुट टूल्स का क्रोम एक्सटेंशन को मैंने यहाँ पर इंस्टॉल किया हुआ है। तो इसके माध्यम से हम लोग अलग अलग लैंग्वेज में टाइप कर रहे थे, लेकिन आज जो दिखाने वाला हूं वो है कि इंटायर फेसबुक के पेज के जो लैंग्वेज है उसे ही चेंज कर दूंगा। चलिए मैं फेसबुक को ओपन कर लेता हूं। ये देखिए दोस्तों, मैंने अपना फेसबुक का जो होम पेज है उसे मैंने ओपन कर लिया है। आप यहां पर देख रहे होंगे कि यहां पर सब कुछ बाय डिफॉल्ट इंग्लिश में, रिसेंट लॉगिन्स, क्लिक ऑन योर पिक्चर टू लॉग इन, क्रिएट ए न्यू अकाउंट, इट्स ऑलवेज फ्री, ये सारे के सारे जो यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है सारे के सारे आपको इंग्लिश में आ रहे हैं। मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं कि मैंने पिछले वीडियो में आपको क्या दिखाया था। मैं इसमें लॉगिन कर लेता हूं, लॉगिन करने के बाद मैं आपको दिखाता हूं। तो दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में ये दिखाया था कि किस तरीके से हम लोग यहां पर हम लोग का जो भी पोस्ट करने के लिए जहां पर ये बॉक्स है, इस बॉक्स में कैसे हम लोग अलग अलग लैंग्वेज में पोस्ट कर सकते हैं। मैंने आपको दिखाया था कुछ हिंदी, इंग्लिश और बंगला का एग्जाम्पल दिया था। मैंने उसे चेंज करने के लिए मैंने यहां पर चेंज किया था। मैं यहाँ पर अपना इनपुट टूल्स में आऊंगा। यहाँ पर मैंने ये तीन लैंग्वेज को सेट करके रखा था। अगर मैं पहले हिंदी को सिलेक्ट करता हूँ, ड्रॉप डाउन से मैं हिंदी को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर मैं हिंदी में लिख सकूंगा ये हिंदी। आप अगर अपना ओरिजिनल जिस लैंग्वेज में आप टाइप किए अगर आप उसे ही रखना चाहते हैं तो आप सबसे लास्ट वाला ऑप्शन वो रहता है, आप उसे क्लिक कर दें तो वो ओरिजिनल टाइपिंग लैंग्वेज में रह जाएगा। वरना आप जब भी कोई चीज टाइप करेंगे इंग्लिश में, यानी हिंदी फोनेटिक में आप टाइप करेंगे और उसे स्पेस देने के बाद ही वो हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। हिंदी में, ये देखिए मैंने में लिखा, में लिख के मैं इसे टाइप अगर स्पेस देता हूं तो वो अपना हिंदी में कन्वर्ट हो गया। टाइप स्पेस देने के बाद ही वो अपना हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। हो स्पेस देने के बाद ही वो हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। रहा है, उसके बाद मैं यहाँ पर चाहूँ तो मैं उसे फिर इंग्लिश में भी लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पर देखिए, आप मैंने हिंदी सिलेक्ट की थी इसलिए ये हिंदी का आ बना हुआ है। अगर मैं इसे बंगला सिलेक्ट कर लेता हूँ तो ये बंगला का बा हो जा रहा है, जैसे कि बंगला लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिखूँ कि आमी तो वो अपना बंगला में कन्वर्ट कर लेगा उसे।
আমি ভালো আছি, ইয়ে বাংলা মে মানে টাইপ কি আমি ভালো আছি, ইসকা মতলব হোতা হ্যাঁ কি মে আচ্ছা হুম। তো মানে আপনার জাস্ট ইয়ে আপনার দিখানে কে কি মে ইয়া পর ইংলিশ মে আপনার ইয়া পর মানে হিন্দি মে টাইপ কি মানে বাংলা মে টাইপ কি আপ মে চাও তো ইংলিশ মে টাইপ করুঙ্গা, তো উসকে লিয়ে মে ইয়া পর ফির সে গুগল ইনপুট টুলস মে যাকে মে আপনার ল্যাঙ্গুয়েজ সিলেক্ট করকে ইংলিশ কর দুঙ্গা। আই এম গুড। তো জেসে কি আপ দেখ পা রে ইয়ে মানে পিছলে ভিডিও মে বাতায়া থা গুগল ইনপুট টুলস কা ইস্তেমাল করনা, জাহাঁ পর কি আপকা পুরা পেজ তো ইংলিশ মে হ্যায় লেকিন আপ আপনে রিজনাল ল্যাঙ্গুয়েজ ইয়া আপনে মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ ইয়া ফির কোই ভি ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ জো ভি আপ গুগল ইনপুট টুলস সে আপ সিলেক্ট করতে হ্যায় উসকে দ্বারা আপ ইয়া পর টাইপ কর সকতে হ্যায়। ইসকে বারে মে পুরে ভিডিও দেখনে কে লিয়ে আপ মেরে পিছলে ভিডিও পে জাইয়ে, মে উসকা লিংক আপনে ডেসক্রিপশন মে দে দুঙ্গা, আপ উস লিংক কো ফলো করকে ভি মেরা পিছলে ভিডিও দেখ সকতে হ্যায়। ইয়ে তো থা কি মে হাম লোগ আলাগ আলাগ ল্যাঙ্গুয়েজ মে কিস তরহ সে টাইপ কর সকতে হ্যায়, লেকিন গৌর করনে ওয়ালি বাত ইয়ে হ্যায় কি আবি ভি আপকা পেজ ইংলিশ মে হ্যায়। তো মে আপকো ইয়ে বাতানা চাহ রাহা থা কি ইস পেজ কো আপ কিস তরিকে সে চেঞ্জ কর সকতে হ্যায়। তো চলিয়ে मैं आपको वो चेंज करके दिखा दूँ। सबसे पहले हम लोग लॉग आउट कर लेंगे या फिर मैं चाहूँ तो उससे सेटिंग्स से भी जाके हम लोग कर सकते थे, तो मैं लॉग आउट कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैं आपको ये जो फेसबुक का जो होम पेज है और इसका जो इंटरनल जो भी पेज है, मैं उस पेज का एंटायर जो आपका लैंग्वेज है उसे मैं चेंज करके आपको दिखाता हूँ कि अगर आप इंग्लिश नहीं समझते या फिर आप अपने रीजनल लैंग्वेज या मदर टंग में आप अगर इसे कन्वर्ट करना चाहते हैं ताकि समझने में आपको आसानी हो, तो वो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप अपने फेसबुक के होम पेज पर जाइए या फिर लॉगिन पेज पर जाइए। लॉगिन पेज पर जाने के बाद आप सबसे पहले इसे स्क्रॉल कीजिए नीचे की तरफ। देखिए आपको यहीं पर लैंग्वेज मिल जाएगा, यहाँ पर बहुत सारे लैंग्वेजेस के ऑप्शन आपको मिलेंगे जो कि शॉर्टकट यहाँ पर अवेलेबल है। अगर यहाँ पर आपको अवेलेबल नहीं मिल रहा है तो आप ये प्लस बटन पर आप क्लिक करें। जब भी आप प्लस बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे लैंग्वेज यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। यहाँ पर इंटरनेशनल लैंग्वेजेस और हम लोग का जो इंडिया का जो अलग अलग रीजनल लैंग्वेज है वो सब कुछ यहाँ पर आपको अवेलेबल है। तो आप किसी भी अपने सुविधा के हिसाब से अपना जो भी चॉइस है प्रेफरेंस है उसके हिसाब से अपना लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, सपोज मैं हिंदी सिलेक्ट करता हूँ। पहले आप देख लीजिए एक बार फिर से कि ये पेज अभी इंग्लिश में है, जैसे यहाँ रिसेंट लॉगिन्स लिखा हुआ है, क्लिक ऑन योर पिक्चर, ये सारा का सारा इंग्लिश में लिखा हुआ है कि आपको क्या करना है। अगर आपको ये समझ में आने में दिक्कत हो रही है तो आप पहले यहीं पर जाइए, यहाँ पर जाके यहाँ पर आपको शॉर्टकट में मुझे हिंदी अवेलेबल हो रहा है इसलिए मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ, वरना मैं अगर यहाँ अवेलेबल नहीं रहता तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा। ठीक है, तो मैं यहीं से क्लिक कर लेता। देखिए मैं हिंदी में क्लिक करता है ये सारा का सारा यहाँ पर जो भी लैंग्वेज है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ देखिए हो गया हाल ही के लॉगिन, मैंने जो अभी रिसेंट के लॉगिन किए थे वो। उसके बाद देखिए नया खाता बना है या फ्री है, हमेशा फ्री ही रहेगा। तो इस तरह के सारे देखिए ईमेल या फोन पासवर्ड लॉगिन करें, ये सारे के सारे यहाँ पर आपको हिंदी में कन्वर्ट हो गया। इसे हम लोग लॉगिन कर लेते हैं। अब आप एक चीज का गौर कीजिए, आपको लॉगिन पेज में आपने लॉगिन कर लिया, आपको समझ में आ गया कि आपको लॉगिन कैसे करना था। जैसे कि मेरा ये पेज है जो मेरा जब मैं लॉगिन करता था, लॉगिन पेज करने के बाद ये पेज है, लेकिन फिर भी आप जब इस पेज पे आएंगे तो भी आपको यहाँ पर सब कुछ आपको इंग्लिश में मिलेगा। यहाँ भी क्या लिखा हुआ है सब कुछ इंग्लिश में है। तो अब इंटरनल जो भी पेजेस है इसे हम लोग इंग्लिश से अपने रीजनल लैंग्वेज में कैसे चेंज कर सकते हैं या फिर अपने मदर लैंग्वेज में कैसे करें, ये भी बिल्कुल आसान है। आप थोड़ा स्क्रॉल कीजिए, स्क्रॉल करने के बाद ही आपको देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर आपको लैंग्वेज का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ भी सेम है कि आपको बस यहाँ पर अगर यहाँ आपको ये क्योंकि यहाँ पर मैं आपका साइड बार है ये स्पेस कम है तो यहाँ पर आपको दो तीन लैंग्वेज जो आपका आपके रीजनल के हिसाब से वो फेसबुक डिसाइड करती है कि आपको किस रीजन से बिलोंग करते हैं, तो वो आपको वहाँ पर रहेगा नॉर्मल कुछ वहाँ पर डिस्प्ले होगा, बाकी जो नहीं है वो यहाँ पर प्लस साइन पर क्लिक करके आप डिस्प्ले में देख सकते हैं। आप यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं लैंग्वेज। तो मेरे पास यहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल है, यहाँ पर मैं हिंदी सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप देखिए ये सारा का सारा चीज़ को आप गौर कीजिएगा, इवेंट्स पेजेस ग्रुप्स फ्रेंडली ये सारा का सारा देखिएगा आपका हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे मैसेंजर न्यूज फीड। अच्छा लेकिन मैं आपको बता दूँ, जैसे ये सारे के सारे ग्रुप्स हैं, ये ग्रुप से ये जिन्होंने बनाया ये हिंदी में कन्वर्ट नहीं होगा, ये जो जिस नेम से ग्रुप को क्रिएट किया गया वो उसी नेम से रहेगा। लेकिन बाकी फेसबुक ने जो सब आपका पेजेस या फिर जो भी फेसबुक के तरफ से जो है वो सब चेंज हो जाएगा, ये सब पब्लिक के तरफ से, ये पब्लिक ने बनाया, ये मैंने बनाया है या फिर किसी और ने बनाया है, तो ये सब चेंज नहीं होने वाला। जो फेसबुक के तरफ से है, जो कि फेसबुक के तरफ से नोटिफिकेशन है, जो कि पेजेस के अलग अलग वेब डिजाइनिंग के समय उन लोगों ने जो सब नेम दिया था या फिर जो उन्होंने कॉन्टेंट को क्रिएट किया था वो सारा का सारा आपका चेंज हो जाएगा। मैं आपको चेंज करके भी दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर फिर से हिंदी सिलेक्ट करता हूँ। अब देखिए
ये आपसे पूछ रहा है चेंज लैंग्वेज टू हिंदी, ये आपसे अनुमति मांग रहा है क्या इसे हिंदी में कन्वर्ट कर दिया जाए इस पेज को, तो आप चेंज लैंग्वेज पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद सारा का सारा पेज ही आपका हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए आ गया फोटो वीडियो भावना गतिविधि, ये सारे देखिए पोस्ट बनाए लाइव वीडियो। अच्छा उसके बाद देखिए यहाँ पर आपकी पोस्ट ट्राई स्मार्ट एफिलिएट मार्केटिंग ही आपको ये सारे के सारे देखिए आपको हिंदी में कन्वर्ट हो गया। लेकिन ये मेरा क्रिएट किया हुआ पेज है, ये इंग्लिश में नेम मैंने क्रिएट किया था तो ये चेंज नहीं होगा, ये सारा का सारा ये चेंज नहीं होगा। लेकिन देखिए ये सारे के सारे ये आपके फेसबुक की तरफ से, ये देखिए इवेंट पेज समूह ये सारे के सारे आपका चेंज हो गया हिंदी में। तो बस इतना ही आसान है जो पेजेस को जो आपका लैंग्वेज को चेंज करना फेसबुक में। तो याद रखिए कि जो मैंने आपको बताया था गूगल इनपुट टूल्स से आप अलग अलग लैंग्वेज में टाइप कर सकते हैं, और ये जो फेसबुक का जो पर्सनल जो लैंग्वेज चेंजेस का जो ऑप्शन है तो आप उससे पूरा एंटायर पेज का लैंग्वेज या फिर आपके अकाउंट का लैंग्वेज ही चेंज कर सकते हैं, जो कि आप गूगल इनपुट टूल से नहीं कर सकते। इसका मतलब दो अलग अलग आपका ऑप्शन है दो अलग अलग काम के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए अब ये आसान हो गया होगा कि अगर आप चाहें तो आप अपने रीजनल लैंग्वेज में ये सारे के सारे जो आपके फेसबुक है आप इसके पेजेस की आपके अकाउंट का आप इसे चेंज कर सकते हैं। मैं इसे फिर से इंग्लिश में कन्वर्ट करना अगर चाहूँ तो मैं ये दिखा देता हूँ, मैं फिर से यहाँ पर इंग्लिश में कन्वर्ट करूँगा। कोई दूसरे लैंग्वेज में मैं कन्वर्ट करना चाहता तो मैं यहाँ से वो ऑप्शन ले लेता। यहाँ फिर से पूछ रहा है मुझे भाषा को बदल कर इंग्लिश यूएस करें, तो मैंने भाषा बदले में क्लिक कर दिया और ये सारा का सारा पेजेस जो भी है वो फिर से देखिए यहाँ पर देखिए इवेंट्स पेजेस ग्रुप्स फ्रेंड्स ये सारा सारा इंग्लिश हो गया, ये भी इंग्लिश हो गया, ये पोस्ट मार्केटिंग ये सब इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया, अमित होमी सब कुछ मेक पोस्ट फोटो वीडियो। ठीक है तो देखा आपने किस तरीके से फेसबुक के पेज के लैंग्वेज को आप चेंज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आसान लगा होगा और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपका इस वीडियो के बारे में कोई सुझाव या कोई सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर टाइप करें, मैं उसका जवाब देने का कोशिश करूंगा। और अगर आप मेरे इस चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह के नए नए जानकारी भरे वीडियोस को लाते रहता हूँ। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।